राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जुगल शर्मा से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने। जुगल शर्मा ने कहा कि हमें भी सरकार बनाने में कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी अंदर जो है बीजेपी और राजभवन के अंदर जो एन वोहरा के साथ गवर्नर के साथ बातचीत खत्म हो चुकी है और हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष जुगल शर्मा जी। जुगल जी, लगता है चेहरे पर काफी मुस्कुराहट है, पूरी पार्टी मिलने आई है, तो लगता है कि प्रोग्रेस पीडीपी और बीजेपी में काफी बढ़ गई आगे। ऐसा है, बातचीत प्रारंभ होने जा रही है और इसके अच्छे नतीजे जो हैं वो जल्द आएंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी स्थायी सरकार बनाने के लिए और स्थायी गठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत है, कार्यरत है और इसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन समय लगे लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो स्थायी बने, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। तो आपको क्या लगता है कि टाइम आपने कितना और मांगा है राज्यपाल से, क्योंकि टाइम 19 जनवरी से पहले पहले कुछ डिसीजन होना है। उससे पहले डिसीजन हो सकता है और जो भी डिसीजन होगा वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए होगा। आपको क्या लगता है कि पीडीपी और बीजेपी में फाइनल हो रहा है, क्योंकि आपका जो चेहरा बता रहा है कि आपके विधायक भी साथ में हैं और पूरा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संयम के साथ आगे बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार बने और 6 साल के लिए सरकार बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रयासरत है। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? जम्मू के विकास की बात है, जम्मू कश्मीर के विकास की बात है, जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार बने और लोगों की बेहतरी करें, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और थोड़े दिनों के बाद आपको सब जो है वो सामने आ जाए। जी साहब, जाहिर है कि बीजेपी के जो मुस्कुराहट है प्रेसिडेंट के चेहरे पर, वो लगता है कि प्रोग्रेस काफी आगे पहुंच चुकी है और उनका कहना है कि सरकार जल्दी बनेगी और जम्मू का हितों को देखा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा उसके बारे में अभी कुछ बीजेपी नहीं बता रही, लगता है कि एडजस्टमेंट हो रही है, कुछ समय लगेगा। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।